हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। दिस इज चमून, आई एम चांसलर। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल होने वाला है इंडिया अज्यूम्स G20 प्रेसिडेंसी, इमरान खान फेयर्स अनदर अटेम्प्ट। तो ये है इसका टाइटल। मेजर ग्रुप आर्या की चैनल के डायलॉग्स पे न्यू वीडियो आ चुकी है, तो इनके चैनल का लिंक काफी लंबी होने वाली है वीडियो, तो लास्ट तक साथ बनके देखना गाइस। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, जियो पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी। ये बंदा भी यार, आप कहेंगे सब्सक्राइब करो। शी जिनपिंग, इसके बाद शी जिनपिंग ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि एंड में जस्टिन ट्रूडो ने एक बात भी बोली कि ठीक है, हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें आपकी और हमारी डिसिप्लिन ऑफ फैमिली, उसके हिसाब से भारत सबको लेकर चलेगा। वो गरीब मुल्क जिनकी आवाज नहीं है। ये इस तरीके से बाजवा साहब अब 10-15 दिन से कर रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, पीछे से ये हो रहा है। ऐसा होगा, आपके खिलाफ तो गद्दारी का मुकदमा है, सेडिशन का मामला है, तो केस तो सभी के खिलाफ है, नवाज शरीफ के खिलाफ है, शहबाज शरीफ के। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग, ये जो G20 का समिट हुआ था बाली में, आमने सामने टकरा गए। इसके पहले इनकी बात हुई होगी और वो बात जस्टिन ट्रूडो ने न्यूज़पेपर्स को बता दी, जैसा कि इंडिया में भी ये रीत रिवाज है, यूरोप में भी है, चाइना में ऐसा होता नहीं है। चाइना में जब वो बादशाह सलामत चाहेंगे तब बताएंगे मीडिया को, और वही मीडिया लिखेगा जो बादशाह सलामत यानी कि शी जिनपिंग उनको बोलेंगे। शी जिनपिंग को ये बुरा लग गया और शी जिनपिंग ने साफ जस्टिन ट्रूडो जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उनको उनके पास गए और बोला कि यार आपकी और हमारी बातचीत हुई थी, आपने तो उसको लीक कर दिया। अब ये देखिए, मैं आपको इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़ के बताता हूँ जो कि उन्होंने चाइनीज में बोला था। Everything we discussed has been leaked to the papers. That is not appropriate. And that was not the way the conversation was conducted. ये शी ने बोला ट्रूडो को। ट्रूडो। अब चक्कर ये है कि शी जिनपिंग, आपने ये बेसिकली शी जिनपिंग कह रहा है जस्टिन ट्रूडो को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा को, कि जो आप में और हम में बातचीत हुई थी आपने तो सारी लीक कर दी, आपने तो पूरा मीडिया को बता दिया यार। ये तो आपके और मेरे बीच की बातचीत हुई थी, आपको हमारे बीच में रखना चाहिए था, और इस तरीके की बातचीत हमारी हुई नहीं थी, लेकिन आपका मीडिया वाले तो दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। तो जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा शानदार जवाब दिया ट्रूडो ने शी जिनपिंग को। इन कनाडा वी बिलीव इन फ्री एंड ओपन एंड फ्रैंक डायलॉग, एंड दैट इज व्हाट वी विल कंटिन्यू टू हैव। वी विल कंटिन्यू टू लुक टू वर्क कंस्ट्रक्टिवली टुगेदर, बट देयर विल बी थिंग्स वी डिसएग्री ऑन। हमारे कनाडा में ये सब नहीं होता है, हमारे कनाडा में फ्रैंक और फ्री डायलॉग होता है। हमारे कनाडा में एक फ्रीडम ऑफ प्रेस इंप्लाइड है स्टेटमेंट में, जो कि बोला नहीं उन्होंने, प्रेस वर्ड यूज नहीं करा, बट क्योंकि प्रेस को लीक हुई थी इसलिए मेरा इंटरप्रिटेशन है कि उन्होंने बोला साहब हमारे यहाँ फ्रैंक एंड फ्री डायलॉग होता है, खुला डायलॉग होता है, कोई छुपी छुपी बात नहीं होती। ये तो चीन है ना, कि गलवान में कितने मर गए, एक साल के बाद बोल रहा है 4 मर गए, फिर कोई कह रहा है 10 मर गए, फिर कह रहा है कोई 100 मर गए, ऐसा नहीं होता वहाँ पे, जो है वो है और आपको लोगों को बताना पड़ेगा। सो दैट इज वॉट जस्टिन ट्रूडो टोल्ड शी जिनपिंग। इसके बाद शी जिनपिंग ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि एंड में जस्टिन ट्रूडो ने एक बात भी बोली कि ठीक है, हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें आपकी और हमारी डिसएग्रीमेंट है और रहेगी आगे भी। सही, जाहिर सी बात है, क्योंकि बोथ कंट्रीज ना, इनके वैल्यूज अलग हैं, इनके वैल्यूज अलग हैं। तो बेसिकली क्या था कि ये एक ऑल्टरकेशन हुआ, इससे क्या सीख मिलती है, ये आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा और आपने टीवी चैनल्स में भी देखा होगा कि ये दोनों के बीच में टकराव तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ एक हल्का सा हीटेड कॉन्वर्सेशन हो गया। शी जिनपिंग उसके बाद कुछ नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? जो बुलीज होते हैं ना, जो बुलीज, जो लोग गुंडागर्दी करते हैं या लोगों को डराते धमकाते हैं, अगर आप उनसे धमकना बंद कर दें, आप उनसे डरना बंद कर दें, तो और तेज अपनी आवाज करेंगे, और आप उससे भी अगर डरना बंद कर दें, चुपचाप चले जाएंगे चाइना के साथ। ये जो जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने करा भी शी जिनपिंग के साथ, जो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, वही इंडिया ने गलवान में करा था चाइना के साथ और डोकलाम में करा था चाइना के साथ। चाइना सक पका गया, फिर चाइना ने बोला अच्छा हम यहाँ से उतर जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं,
अब वो धीरे 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 करके ओवर अ पीरियड ऑफ अ फ्यू ईयर्स, मुझे ऐसा लगता है कुछ एक दो साल लग जाएंगे जब तक कि पूरा डिसएंगेजमेंट ना हो, लेकिन दो तीन मेन पॉइंट से हो चुका है। तो दोस्तों ये यू सी नैन्सी पेलोसी आ गई है ताइवान में, तो हम उसका जहाज को अगर आती है वो लैंड करती है, हम उसके जहाज को उड़ा देंगे हवा से, हवा से बिल्कुल मार डालेंगे नैन्सी पेलोसी को और अटैक कर देंगे ताइवान में। ये सब चाइना, देखिए ये कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी होती है, ये स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन है चाइना का। चाइना क्या करेगा कि तेज तेज करके चिल्लाना शुरू कर देगा अपने मीडिया के थ्रू और लोग डर जाते हैं, यार चाइना इतना बड़ा मुल्क है, इतने पैसे हैं, ऐसी मिलिट्री है, हो सकता है चाइना अगर गुस्सा हो जाते तो। चाइना कख नहीं करता, इनके बस का नहीं कुछ, मैं आपको बता रहा हूँ। और जो इंडिया के पॉलिसी मेकर्स हैं, मैं तो उनको सिर्फ एक ही चीज़ गाइड करूँगा, मतलब गाइड तो मैं कौन होता हूँ यार किसी को गाइड करने वाला, लेकिन मेरी एक अगर एक आम नागरिक का सुझाव है तो यही है कि इनको एक बार ठोको, मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से, चाइना को ना ठोक दो एक बार, एनकाउंटर कर दो इनका, मैं कुछ नहीं करेंगे ये लोग, ये कुछ नहीं करेंगे, इनके बस का कुछ नहीं है। और जो भी चाइनीज में ये गलतफहमी थी, जिस जिस चाइनीज जनरल में गलतफहमी थी कि 1962 वाला भारत है, वो गलतफहमी इनकी दूर हो चुकी है और अब वक्त आ गया एक बार परमानेंटली इनकी गलतफहमी दूर करो। कोशिश करते हैं ना अगली बार ये भारत, जैसे इस बार गलवान में घुसने की कोशिश करी तो वहीं पर ठोका था इनको। यूज योर वेपन्स, मैं कह रहा हूँ 500 चाइनीज सोल्जर्स गिरा दो और उसका वीडियो बनाओ और वीबो और अलग अलग चैनल से चाइना के अंदर भेजो वीडियो कि किस तरीके से चाइनीज सोल्जर्स जो इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे उनको वहीं पर ठोका। मैं आपको बता रहा हूं इनको सांप सूंघ जाएगा, ये लड़ने वाली फौज नहीं है चाइना की, ये गलवान में भी आए थे लड़ने के लिए नहीं आए थे, ये तो इनके हाथ से मामला चला गया, इन्होंने बोला कि डराएंगे धमकाएंगे आंखें दिखाएंगे थोड़े डोले छोले दिखाएंगे, इंडियन आर्मी डर जाएगी, इंडियन आर्मी ने भूसा भर दिया इनके अंदर। और मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है होगी बहुत बड़ी फौज होगी ये 30 मार खान, ये लड़ने वाली फौज नहीं है। ये कुछ साल पहले तो नाइट क्लब चलाते थे, आप गूगल पर जाके देखिएगा आपको पता लगेगा, PLA ये नाइट क्लब चलाते थे, मसाज पार्लर चलाते थे, ऐसे ऐसी ऐसे रगतें थी इनकी, जो अपने आप को फौजी कहते हैं। यहीं से तो सीखा पाकिस्तानियों ने, चाइना से तो सीखा, बेटा अब्बू से सीखता है, चाइना से ये सब सीखा, इसलिए तो फौजी फाउंडेशन बनाया। अब पाकिस्तान में तो हो नहीं सकता ये सब, क्योंकि इस्लामिक मुल्क है, सारे उल्टे धंधे होते हैं इस्लाम के बरखिलाफ, लेकिन फिर भी ऊपर से एक तमीज़ बना के रखते हैं पाकिस्तानी, तो बोला कि ये कॉन्फ्लिक्ट बनाएगा, ये बनाएगा, वो बनाएगा, मोजे बनाएगा, जूते बनाएगा, तो सारी चीज़ें बनाता है फौज, पाकिस्तानी फौज, लेकिन लड़ता नहीं है। उसी प्रकार से सारी चीज़ें करती है चाइनीज आर्मी, लेकिन लड़ती नहीं है। डाल के कि भाई मैं तो ऐसे ही करूंगा, और कनाडा में ऐसे ही होता है, कुछ नहीं बोल पाया। वो डिनर के दौरान मोदी जी से हाथ मिला रहा था, सामने लग गए, मोदी जी ने हाथ मिलाया, मोदी जी निकल गए आगे, वो देख रहा है दाएं बाएं। इनके साथ यही करना चाहिए, चीनियों को जब तक आप टाइट नहीं करोगे ना, इनमें चीखें नहीं निकलेंगे, और ये गुंडागर्दी इनकी बंद करने की ज़रूरत है। दोस्तों एक तो ये खबर थी मेरे पास, दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ये है दोस्तों, भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी ले ली है पहली बार इतिहास में, और अगला जो G20 का समिट होगा वो अगले साल होगा 2023 में, जाहिर सी बात है। और भारत फर्स्ट ऑफ दिसंबर से भारत विल टेक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ G20। ये टॉप इकोनॉमीज का एक यू नो एक ग्रुप है जिसमें कि यू नो दे से कि 70-80% ऑफ द वर्ल्ड GDP और ये सब, मतलब बड़ा एक पावरफुल ग्रुप है, उसकी प्रेसिडेंसी, और इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया ने यानी कि खासतौर से मोदी जी जब वहाँ पे स्पीच दे रहे थे तो एक मोदी जी ने बोला कि यार जो ग्लोबल साउथ की बात करी एक तो, और मोदी जी ने एक और बात बोली कि यार मैं सबको साथ लेकर चलूँगा, जो लोग इसमें नहीं है ना, जो अमीर देश नहीं है, जो गरीब हैं, भारत उनकी आवाज़ बनेगा। फूड सिक्योरिटी की बात करी, ये तो ये स्टेट्समैन ऐसी बातें करते, स्टेट्समैन जो होता है ना वो ऐसी बातें करता है जैसे मोदी जी ने बात करी थी, यू नो अबाउट फूड सिक्योरिटी, अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी, अबाउट वाटर सिक्योरिटी, ये सब चाइना कहता है हम ताइवान को खा जाएंगे, हम लद्दाख में आने की कोशिश, ये सब ये लुटेरों वाली बात चीन करता है, और पाकिस्तान का बेड़ा ही घर के वो था ही नहीं G20 में। खैर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात करी, बड़ा मैच्योर स्टेटमेंट मोदी जी ने दिया, बहुत शानदार। और अब भारत में होगा G20 और भारत ने डिसाइड किया है दुनिया का एजेंडा अगले एक साल तक कैसे चलेगा। ओके और जो वासुदेव कुटुंबकम के हिसाब से जो बोला है
कि द वर्ल्ड इज अ फैमिली, उसके हिसाब से भारत सबको लेकर चलेगा. वो गरीब मुल्क, वो गरीब मुल्क जिनकी आवाज़ नहीं है, जो छोटे मुल्क हैं जो कि G20 का हिस्सा नहीं है, उनकी आवाज़ ही नहीं है दुनिया में, उनकी सुनवाई नहीं है कुछ, उनकी सुनवाई नहीं है, तो उनको कौन सुनेगा? भारत कह रहे हैं उनकी आवाज़ हम बनेंगे. हम सिर्फ भारत की आवाज़ नहीं बनेंगे, हम हर उस छोटे मुल्क की या गरीब मुल्क की आवाज़ बनेंगे जिसकी खुद की आवाज़ नहीं है, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं है, उतना रसूख नहीं है, उतनी जान पहचान नहीं है, उतना डिप्लोमेटिक हेफ्ट नहीं है. तो मुझे लगता है कि ये ग्लोबल लीडरशिप की तरफ भारत जा रहा है, और ये मोदी जी ने जो काम कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है. आई थिंक दिस इज़ द राइट वे टू डू इट. किसी को थ्रेटन नहीं, किसी के साथ कोई उल्टी सीधी बात नहीं, जैसा शी जिनपिंग किसी को डराना धमकाना नहीं, बोला यार सबको साथ लेके चलो. और भारत सबको साथ लेके कौन चलता है दोस्तों? आई थिंक लीडर. सबको साथ लेके कौन चलता है? सबको साथ लेके लीडर चलता है. देखा आपने, है ना, लीडर में ही वो क्षमता होती है कि सबको साथ लेकर चले. ग्रेट लीडर जो होते हैं ना, वो लीडरशिप दिखाई है. मैं सचमुच उनकी स्पीच से बहुत इंप्रेस हुआ, और मुझे ऐसा लगता है यू नो इंडिया विल डू अ फैंटास्टिक जॉब. और हाँ, वो जो कश्मीर में एक मीटिंग होनी है ना G20 की, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो कश्मीर तो होनी चाहिए, एक शानदार G20 की मीटिंग, कि दुनिया को भी पता लगे. अब दोस्तों टर्की पे आ जाते हैं. टर्की ने अक्यूज कर दिया है अमरीका को, ठीक है, कि अमेरिका ने इस्तांबुल में जो अटैक हुआ था ना, जिसमें 6 लोग मारे गए थे, वो बम बम क्या फटा था, तो उसमें तुर्की ने बोल दिया कि यार ये तो अमेरिका का इसमें हाथ है. और उन्होंने एक फीमेल सस्पेक्ट को अरेस्ट करा है, और बोला है कि वो सीरिया से टर्की आ रही थी, और जो कुर्द हैं, कर्डिश फोर्सेस, उनके ऑर्डर से ये इसने ये बॉम्बिंग करी है, ठीक है. और इंटीरियर मिनिस्टर है सुलेमान सोयलू, उसने ये बोला कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ने अफसोस जाहिर किया था कि यार बड़ा बुरा लगा, लोग मर गए, उसने उसको यू नो डिसमिस कर दिया. उसने बोला कि फालतू की बात कर रहे हैं. कि फिर उसने बोला कि जो किलर है, ही इज अमंग्स द फर्स्ट टू बी रिटर्निंग टू द सीन. यानी कि जो हत्या करता है, एक बहुत पुरानी कहावत है, और ख़ास तौर से वेस्ट में माना जाता है, कि जो हत्या करता है ना, जब पुलिस वहां पे आ जाती है तो छुप के कहीं ना कहीं से देखता है कि यार जो मैंने कांड कराया ना, ये सब लोग देखने आए हैं, क्या चल रहा है, जरा मैं पता लगाऊं क्या मैं पकड़ा तो नहीं गया, या क्या बातें चल रही हैं, जानने की एक जरूरत महसूस करता है, जो किलर होता है, जो हत्यारा होता है. तो वही तुर्की के इसने तुर्की के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं सुलेमान, इन्होंने बोला कि द किलर रिटर्न्स टू द सीन ऑफ द क्राइम. अमेरिका ने लोग मरवाए हैं, ये तुर्की ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है. अब पता नहीं इसके क्या रिपरकशंस होंगे. तुर्की को थोड़ा सा सेंटर में आने की जरूरत है, क्योंकि इतने एक्सट्रीमिस्ट व्यूज जो है ना, वो थोड़े से मेरे हिसाब से नहीं देने चाहिए. बाकी तुर्की की अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी है, वी आर नोबडी टू से कि तुम ये करो ये करो, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सा शांति से तुर्की को काम लेना चाहिए, राइट. और दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तान से इमरान खान के बारे में बात ना करें तो दिन कैसे पूरा हो, और पाकिस्तान के बारे में बात ना करें तो दिन पूरा कैसे हो हमारा. मैं यही बोले, इमरान खान पाकिस्तान में आया अभी तक. ये देखिए, इमरान खान कहते हैं कि दे कैन ट्राई अगेन. इमरान खान का ये कहना है कि जो मुझे मारने की कोशिश करी गई थी, जो कि वजीराबाद में हुआ था, गुजरांवाला में जो हत्या करने की साजिश करी गई थी, वो फेल हो गए, अब वो दोबारा कोशिश करेंगे. ये फ्रांस 24 एक न्यूज़ चैनल है, उसको खान साहब, मैंने आपको अभी बोला था कि ये गोरों के चक्कर में मत पड़ो, आपने फिर आप इंटरव्यू दे, ये सोता कर रही है 24 घंटे तो कैमरा के सामने रहता है. और मैं मीडिया में हूँ इतना, मैं कैमरा के सामने रहता जितना खान रहता है कैमरा के सामने डेली. खान तो खान, अभी टर्किश चैनल को, उसके पहले BBC को, अभी फिर इसको पकड़ लिया, बीच में ARY और बोल TV तो चलते रहते हैं, कामरान खान तो चलता ही रहता है. तो ये इमरान खान चालू है इसमें. इसने बोला कि साहब मुझे मारने की साजिश है, और मुझे दोबारा मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं इतना पॉपुलर हूँ, क्योंकि मैं इतना प्यारा हूँ, क्योंकि मैं इतना हैंडसम हूँ, क्योंकि मैं इतना, क्योंकि मैं इतना, क्योंकि मैं इतना, इसलिए लोग मुझे मारना चाहते हैं. अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि लोग, अच्छा इमरान खान कहता है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, ठीक है कोई बात नहीं. फिर इमरान खान ये कहता है कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तब मेरे हाथ में कोई पावर नहीं थी,
तो भाई जब आपके हाथ में पावर नहीं थी फिर आप प्राइम मिनिस्टर क्यों बनना चाहते हैं, क्यों फौज की अपनी कठपुतली बनना चाहते हैं? ये मुझे लगता है कि लोगों को इमरान खान से सवाल करना चाहिए पाकिस्तानियों को। फेर बदल करने की शहबाज शरीफ की सरकार सोच रही है, कर देंगे, और इशाक डर और असद महमूद हैं इसके मेंबर जो इसकी समरी बनाएंगे और फिर इसको अप्रूव कर दिया जाएगा। यह कहता है कि प्राइम मिनिस्टर किसी भी अफसर का जो फौजी अफसर है उसका करियर एक्सटेंड कर सकते हैं, तो फिर उसका कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस प्राइम मिनिस्टर लिख देगा कि हाँ बाजवा साहब को हम एक साल का और एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो बाजवा साहब का एक्सटेंशन हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कमर जावेद बाजवा के लिए कर रहे हैं, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन जाहिर सी बात है 29 तारीख इतनी पास है तो ये हो क्यों रहा है, ये और किसको एक्सटेंशन देना है, किसको एक्सटेंशन देने की बात चल रही है? अब बाजवा साहब वहाँ पे पीएमए चले गए, वो बलूचिस्तान जो बलोच रेजिमेंट है उसके सेंटर में चले गए, यू नो सबको बाय बाय कहने के लिए अलग अलग फॉर्मेशन में जा रहे हैं, कोर में जा रहे हैं, नमस्ते बाय बाय सलाम सबको कर रहे हैं बाजवा साहब, राइट? लेकिन क्या ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है कि साहब देखो मैं तो जा रहा हूँ, मैंने तो ये सबको बाय बाय कहना चाहिए? हर जगह होता है, अमेरिका में भी होता है, इंडिया में भी होता है कि जब चीफ रिटायर होता है तो चीफ गोज टू एवरी फॉर्मेशन एंड ही सेज ठीक है यू नो बहुत अच्छा लगा और आप लोग काम करते रहिए। तो ये इस तरीके से बाजवा साहब अब 10-15 दिन से कर रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, पीछे से ये हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तानियों को फिर से एक बार सरप्राइज मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं कि अब बाजवा तुम्हारा अब्बू एक साल के लिए और है? अगर ऐसा हो गया तो जनरल बाजवा फिर इमरान खान की सियासत को खत्म कर देगा। क्या खान ने ना यार, हम तो इतना सपोर्ट करते हैं इमरान खान को, इमरान खान ने यू टर्न ले लेके बिल्कुल जलेबी टर्न कर दिया, जलेबी टर्न। कभी बोला कि अब वो जाने दो, फॉरेन जो कॉन्स्पिरेसी की बात थी उसको जाने दो, राइट? अभी और भी चीजों में खान साहब यू टर्न ले रहे हैं, जैसे कि अब वो इंडिया के साथ भी अच्छी बातें करना शुरू कर दी उन्होंने, अमेरिका के साथ भी अच्छी। यार आप खान साहब एक मौकिफ पे आप डटे रहने, कोई थूक के चाटना ठीक बात नहीं है। आपके सपोर्टर पाकिस्तान के बाहर भी हैं और मुल्कों के भी लोग हैं, जैसे मुझ जैसे लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं, पर अगर आप ऐसे रोज आप यू टर्न लेंगे, रोज थूक के चाटेंगे, तो फिर आपके जो ये चेले चपाटे हैं ठीक है डब्ल्यू जी टाइप, फिर ये लोग एक्सप्लेन करते ना खान का ये मतलब नहीं था, खान का मतलब था, जो आपका मतलब है पहली बार में क्यों नहीं बोलते आप कि जी मेरा ये मतलब है, मैं ये बोल रहा हूँ? आप बयान कोई दाग देते हैं, हवाई फायर कर देते हैं आप, फिर खोखा लिए वो घूमता रहता है डब्बू कि नहीं जी खोखे के अंदर तो ये गोली थी वो गोला था, ऐसा नहीं होना चाहिए खान साहब। यू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू आर सेइंग। ऐसा होता है कि हमें वी हैव डिफिकल्टीज इन कन्विंसिंग पीपल टू फाइनेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमें दिक्कत होती है। मैंने इतने लोगों को बात करी, मैंने करीब 20-25 कॉल करे आपके लिए कि यार $10 हैं, कोई कहता मैं $100 दूंगा, मैं जितने भी हैं इंडियंस को मैंने बोला फॉरेन कंट्रीज में आप $2 पक्की तरीके से $2 इमरान खान को जितना फंड कर सकते हो करो। आज वो लोग मेरे पास 2-3 कॉल आ गए यार कि आप बोलते हो खान को, खान तो कभी खान ना हिंदुस्तान का हो रहा है ना पाकिस्तान का हो रहा है, वो तो अपनी गाड़ी चला रहा है। सर आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, आपके वजीर जो पुराने हैं वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, साबिक वजीर, बट सिर्फ जबानी जमा खर्ची से कुछ नहीं होगा ना, आप ग्राउंड पे क्या कर रहे हैं? आपने अपना लॉन्ग मार्च बंद कर दिया, आपने बोला नहीं सिर्फ इस्लामाबाद में होगा। हाँ ये आपने काम अच्छा करा कि मोहम्मद बिन सलमान को नहीं आने दिया, दिस इज वेरी गुड। लेकिन खान साहब अगर ये मोमेंटम टूट गया, अब आपने एक और बयान दे दिया, अभी तक आप कह रहे थे कि आर्मी चीफ मैं बनाऊंगा, अब आप ये कह रहे हैं कि अब आपने उससे भी हाथ ये मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताता हूँ इमरान खान का, इमरान खान ने आर्मी चीफ को लेकर क्या बोला है, ये देखिए। इमरान खान कहता है कि आई विल सिट बैक एंड वॉच द आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट, मैं आराम से पीछे बैठूंगा, देखूंगा कि किसको आर्मी चीफ बना रहे हैं। सर एक बात बताइए, कल ही हमने वीडियो करा था कि इमरान खान ने नए वाले आर्मी चीफ को बनने से पहले ही गंदा कर दिया, ये 24 घंटे का वीडियो था पहले का, राइट? 24 घंटे पहले आपने कुछ और बोला था, अब आप कह रहे हैं कि ठीक है बनने दो यार, मेरी बला से मुझे क्या फर्क पड़ता है, जो भी होगा वो तो शरीफ की मदद करेगा ही करेगा। आप खान साहब आप पीछे क्यों हट जाते हैं? आप कहते हैं अटैक, हम आपके पीछे पीछे घोड़ा और तलवार लिए
इकबाल के शाहीन बन जाते हैं इकबाल के शाहीन बन जाते हैं। लेकिन खान साहब आप कहते हैं अच्छा तुम उड़ो मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, आप बनीगाला चले जाते हैं, हम उड़ते रहते हैं हवा में, हमें पता ही नहीं लगता। तो ऐसा तो ना करें अपने फॉलोअर्स के साथ। आपने अमेरिका के पीछे आप अमेरिका वाले मामले से आपने यूटर्न ले लिया, आर्मी चीफ के मामले से यूटर्न ले लिया, सर ऐसा किस तरीके से हो सकता है फिर? हम कहाँ जाएंगे बताइए? आप सवेरे कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, फिर सवेरे कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। आपने जो बोला आपके बयान को प्रोपगेट करने के लिए, आपका प्रोपेगेंडा करते करते हम यहाँ पे थक गए रोज़ वीडियो बनाते बनाते आप शाम को फिर अगले दिन दूसरा वीडियो बनाते हैं, जब तक वो वीडियो रिलीज होता है पता लगा जी खान साहब ने कुछ और जब तक वो वीडियो रिलीज होता है हम लोग कहाँ जाएंगे, ये सोचिए। दोस्तों आखिरी पॉइंट था ये जो मैंने बोला था ना, जो घड़ी वड़ी का मामला था इमरान खान का, तो शाजेब खानजादा एक एंकर हैं बड़े मशहूर जियो टीवी पे, उन्होंने ये जब इल्ज़ाम लगाया और जिस बंदे ने इमरान खान की वो घड़ियाँ खरीदी, वो कफलिंग, वो हार वार जो भी ड्रामा था, पेंशन जो भी थी, बड़ी महंगी चीज़ें थी करोड़ों रुपए की, वो जो उसने खरीदी थी उसने तो अल्लाह के दिखा दी टीवी पे कि भाई साहब ये इमरान खान का, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा इमरान खान ने या फिर किसी और ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने ये नहीं बोला कि ये जो घड़ी है ये यू नो ये वो नहीं है इमरान खान वाली, ये तो घड़ियाँ पाकिस्तान में बिकी थी, दुबई में बिकी नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बोला कि ये तो आदमी झूठा है, ये तो वांटेड क्रिमिनल है, इसके खिलाफ तो केस हैं। वो तो केस खान साहब आपके खिलाफ भी है, उसके खिलाफ तो चोरी का और मनी लॉन्ड्रिंग का केस होगा, आपके खिलाफ तो गद्दारी का मुकदमा है, सेडिशन का मामला है, तो केस तो सभी के खिलाफ है, नवाज शरीफ के खिलाफ है, शहबाज शरीफ के खिलाफ है, आपके खिलाफ है, डब्बू जी के खिलाफ है, डब्बू जी के खिलाफ पता नहीं क्या खाना चोरी करने का केस है क्या, आई डोंट नो, डब्बू जी सभी के खिलाफ। दैट इज नॉट द पॉइंट खान साहब, इसमें आपको ये बोलना चाहिए था कि इंसान झूठ बोल रहा है, ये वो घड़ी नहीं है जो मोहम्मद बिन सलमान ने मुझे दी थी, दिस मैन इज फेक। कैटेगोरिकली नहीं बोला आपने, बोला ये आपने उस आदमी की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। आप मुद्दे पे क्यों नहीं आते खान साहब, जब आपसे कोई पूछता है कि आपको मारने की साजिश करी गई, आपके पास प्रूफ क्या है, आप कहते हैं मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ। और जाहिर सी बात है रेडी वाले को थोड़ा ना कोई मारेगा, बड़े लीडर को ही मारेगा ना, तो दैट इज़ नॉट द पॉइंट। वो पूछ रही है वो जो जो CNN की एंकर है बेकी, क्या नाम है उसका, वो बार बार पूछ रही है कि नहीं बताएं खान साहब प्रूफ क्या है, आपके पास सबूत क्या है, खान साहब सबूत का जबान पर नाम नहीं ले रहे। अब ये बंदा आके जो जहूर है ये दिस गाय, ये सामने कह रहा है कि फरागोगी आई थी, फरागोगी को मैंने इतने पैसे दिए, उसने मुझे ये सब चीज़ें दे दी, ये देखो कैश मैंने दिया है उसको, तो आपको बोलना चाहिए ना घड़ी नहीं है वो वाली, तू झूठ बोल रहा है, घड़ी कोई और है, वो घड़ी नहीं है। आपने ऐसा नहीं बोला क्योंकि आपको ये डर था कि कहीं वो बोल देगा ये नंबर है, ये देखो चेक करो, ग्राफ वालों को बुलाओ जो ब्रांड है, और साफ को तो ट्वीट कर देगा, बोलेगा ये है घड़ी का नंबर, देखो मेरे पास कहाँ से आई, फिर आपने नहीं बेची मुझे, मेरे पास कहाँ से आई घड़ी। अब खान साहब कहेंगे मैंने तो इस्लामाबाद में बेची थी, फिर वहाँ से दुबई चली गई, ये सब स्टोरी सुनाई जाएंगी। लेकिन खान साहब आई डोंट नो हु इज़ मैनेजिंग योर मीडिया, आई थिंक इज़ बीइंग मैनेज्ड वेरी वेरी पोअरली। आप मुझे एक बार मौका दें खिदमत का, मैं आपको बताता हूँ कि सोशल मीडिया किस तरीके से मैनेज होता है। एनीवे ये जो शाजेब खानजादा, तो इमरान खान ने बोला मैं तुम्हारे ऊपर केस फेस कर दूंगा, इनफ इज इनफ, ये ट्वीट देखो इमरान खान का भाई, इनफ इज इनफ, येस्टरडे जियो एंड खानजादा सपोर्टेड बाय हैंडलर्स, हैंडलर्स किसको कह रहे हैं, पाक फौज को, slandered me through a baseless story cooked up by a known fraudster and internationally wanted criminal. I have spoken to my lawyers and I plan to sue Jio Khanzada and the fraudster not only in Pak but also in UK and UAE. Khan sahab ne daag diya 114.4 hazar yani ki kareeb 114,000 takriban likes mile isko aur retweet aur falana dhimka. To Khan sahab ne bol diya ki jhoot bol raha hai, और मैं ये जो एंकर है मैं इसके खिलाफ भी केस करूंगा, इसके खिलाफ भी केस करूंगा। वो केस वेस का पाकिस्तान में आज तक क्या बना है खान साहब, जो आज बनेगा आपके खिलाफ भी केस हो रखे, क्या हो गया उसका, आप तो दंदनाते फिरते हैं, फिर भी केस वेस का पाकिस्तान में कुछ नहीं होता, ठीक है ना। खानजादा ने यह बोला जो टीवी एंकर है, उसने बोला वी विल फेस PTI चेयरमैन इन एनी कोर्ट ही वॉन्ट्स टू गो, उसने भी धमका दिया खान को, उसने बोला कि आपको जहां मर्जी जाना चाहिए हम वहीं पर आएंगे, जिस कोर्ट में आप चाहते हैं उसी कोर्ट में हम आएंगे क्योंकि हमारे पास सबूत है। और फिर खानजादा ने जो कि टीवी एंकर है उसने 11 सवाल पूछ लिए इमरान खान से। पहली बात
ये जो गिफ्ट थे फरागोगी फरागोगी फराशहजादी फरागोगी, ये एक ही है, ये एक लड़की जिसके तीन तीन आधार कार्ड हैं, पता नहीं कितने इसके आधार कार्ड हैं, कितने नाम हैं, कितनी शक्लें हैं, बट है एक ही बंदी है, फरागोगी फॉर $2 million. वाई वर द गिफ्ट सोल्ड वाया फरागोगी फॉर $2 million? ये फरागोगी को क्यों इस्तेमाल करा आपने? 2 मिलियन, अगर आप इंडियन करेंसी में गिने तो 2 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन इज राउंड 8 to 16, राउंड अप्रॉक्सीमेटली 16.5 करोड़, 16.5 करोड़ आसपास, मोटा मोटी बता रहा हूँ, नॉट प्रिसाइज, ये इंडियन रुपीज में, तो पाकिस्तानी रुपीज में तो आप समझ लीजिए कितना ही होगा, ठीक है? इफ़ इमरान खान डिड नॉट सेल देम, अगर इमरान खान ने वो घड़ियाँ और वो सब सामान नहीं बेचा तो उमर फारूक के पास पहुँचा कैसे, जो दुबई का बिजनेसमैन था वो जहूर उमर फारूक, ये उसके पास पहुँचा कैसे? तीसरी चीज, अगर इमरान खान ने उमर फारूक को नहीं बेची, जैसे इमरान खान कह रहा है कि मैंने नहीं बेची, तो फिर किसको बेची है? क्योंकि आपके पास तो है नहीं और आप भी मान रहे हो बेची है, आप मान रहे हो बेची है, तो आपने किसको बेची है? नाम बताओ ना उस बंदे का, ठीक है मैंने उसको नहीं बेची, दुबई वाले बंदे को, मैंने इस्लामाबाद में बेची, कौन था शख्स, उसका नाम बता दूं मैं? चौथा, अगर वो पैसा दुबई में वो घड़ी बेच के पाकिस्तान लाया गया, ठीक है, तो उसका बैंकिंग ट्रांजैक्शन दिखाइए, वो बैंक से आया होगा ना, वो पैसा बैंक से आया होगा, इतने जो डॉलर आए हैं वो किस तरीके से आ गए, वो हैं कहाँ, जरा हमें बताइए, उसका बैंकिंग ट्रांजैक्शन दिखाइए, कोई ट्रांजैक्शन कोड होगा, कोई स्विफ्ट कोड होगा, कुछ होगा वो दिखाइए हमें, ठीक है? अगर वो पैसा पाकिस्तान नहीं लाया गया, वो पैसा है कहाँ पे, ये हमें बताइए। वाई वर द ट्रांजैक्शंस शोन एज नियरली 60 मिलियन एंड नॉट 280 मिलियन? जब आपने ट्रांजैक्शन दिखाया, आपने 280 मिलियन रुपए नहीं दिखाया, 60 मिलियन दिखाया, ऐसा क्यों, इतना फर्क क्यों है? 220 मिलियन रुपए, पाकिस्तानी रुपए बीच में कहां चले गए, ये पूछ रहा है खानजादा। एक और चीज पूछ रहा है खानजादा, क्या इमरान खान ने जो टैक्स फाइल करा था उसमें झूठ बोला उन्होंने? क्योंकि टैक्स में तो उसने ये सब डिक्लेयर करा नहीं, तो पैसा गया कहां पे अगर खान के पास नहीं आया, और अगर खान के पास आया तो उसने टैक्स में क्यों नहीं दिखाया, राइट? 2019 में ये जो गिफ्ट थी, ये 1 अरब रुपए, 1 अरब पाकिस्तानी रुपए पे इनकी कीमत लगाई गई थी, फिर इसने सिर्फ 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में इसने कैसे खरीद ली, ठीक है? ये यू अंडरस्टैंड, इसकी कीमत इतनी आपने हल्के में खरीदी, बिल्कुल थ्रू अवे प्राइसेस जिसको कहते हैं, आपने वो गिफ्ट खरीदी फिर आपने बेच दी, वो बीच वाला पैसा आप गायब, ये खानजादा कह रहा, हम नहीं कह रहे, हमारा तो कायद है इमरान खान, हम तो इमरान खान को लीडर समझते हैं, कायद आजम, ये खानजादा कह रहा है, ठीक है? वाई वॉज द नेशनल एक्सचेकर डेल्ट डैमेजेस ऑफ मोर देन 1 बिलियन? 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा पाकिस्तान को लॉस हुआ, इसका जवाब कौन देगा? अच्छा, ये सब चीजें पाकिस्तान में चल रही हैं, वहां पे इंडिया ने G20 के समिट की प्रेसिडेंसी ले ली, एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया आ गई, इंडिया का प्राइवेट रॉकेट स्पेस में जाने के तैयारी कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी 5th largest बन गई है, दुनिया में इतनी उथल पुथल हो रही है, वहां पे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ठीक है, वो हर जगह पाकिस्तान इन चक्रों में लगा हुआ आज तक, हर जगह जाके इतना दे दो उतना दे दो, अभी तक जो चाइना गया था ना दोस्तों, चाइना गया, सबसे मिला चाइना में, 2-3 दिन रहा भी चाइना में, राइट? चाइना का क्या हुआ अभी तक पाकिस्तानी मीडिया को पता ही नहीं है कि चाइना से वो क्या लेकर आया, क्या देकर आया, कौन कब तक देगा भाई, पता बस उड़ी उड़, हाँ वो ये कर देंगे, चाइनीज इतने अरब दे देंगे, सब बकवास, एक्चुअल डिटेल्स चाइना के कुछ नहीं पता, Nobody knows what has happened. शहबाज शरीफ चीन क्या करके आया, पैसे मांगे होंगे उसने, तो वो चीज चल रही है, जाहिर सी बात है, लेकिन ये बात भी तय है कि चीन का मामला डामाडोल है, शर्मल शेख का मामला डामाडोल है, और अब ये सारी की सारी कौम जो है वो लगी है आर्मी चीफ के पीछे कि आर्मी चीफ कौन बनेगा, और चुपचाप से शहबाज शरीफ क्या करता है वहां पे? एक अमेंडमेंट लाता है लॉ में कि यार आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस फॉलो नहीं करना, मैं एक चिट्ठी दे दूंगा और टेन्योर बढ़ जाएगा,
तो खान साहब मैंने बोला कि मैं भी घड़ी पहनूं, मेरी तो कैसी घड़ी है, ये कंपनी है डीजल, उसकी ज़्यादा महंगी घड़ी नहीं है, सस्ती सी है, आपकी घड़ी तो करोड़ों रुपए की है माशाल्लाह, हम गरीब लोग, हमारी छोटी घड़ी है, लेकिन आपके ऑनर में खान साहब मैंने घड़ी पहनी है, हर समय मैं सोच रहा हूँ कि जब तक ये घड़ी वाला मामला रहेगा मैं घड़ी पहनता रहूँगा क्योंकि आप हमारे लीडर हैं खान साहब। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद। एक दिन से शुरू हुई कहानी और एंड में वही पाकिस्तान में, ये काफी आधी वीडियो तक तो मैं मिस करता रहा, पाकिस्तान नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इमरान खान और पाकिस्तान नहीं आ रहा, बाकी काफी शादिब खान दा, पहले शुरू करते हैं शी जिनपिंग हाँ। और ट्रूडो से, ट्रूडो की और जो शी जिनपिंग की, वो कह रहे थे कि मैं कोई बात छुपाता नहीं हूं, उसने अच्छा जवाब दिया जस्टिन हाँ। ट्रूडो ने कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो जो बात होती है पब्लिकली हाँ। जो है मीडिया में चल जाती है और जो है स्टेटमेंट वगैरह जो भी होते हैं वो पब्लिक पे आ जाते हैं, चीन को बुरा लग गया, शी जिनपिंग तबाह हुआ लग रहा था। बाकी और उसमें मेजर गौरवालिया ने ये भी बोला कि इंडिया को जो है थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए चाइना के खिलाफ, 250 फौजी उनके जो है, जो एक एरिया है लद्दाख का वहाँ पे जो है लुड़का दे, चीन की खुद ही बढ़ जाएगी तो फौज, हाँ मगर फिर भी चीन से आप ऐसा कर नहीं सकते, इंडिया भी एक पावरफुल मुल्क है, चाहे चीन भी, मगर फिर भी अगर ये दोनों कंट्री आमने सामने आ गए तो तबाही हो जाएगी। तो बाकी दूसरी बात इमरान खान पे आते हैं, इमरान खान के ऊपर, इमरान खान ने भाई अपने घड़ी का क्या सीन है, भाई घड़ी का सीन ये है कि इमरान खान को जो है सऊदी अरब से गिफ्ट मिला था वजीर आजम का, अभी मिला था या जब वजीर आजम था, अच्छा। प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, तो वो जो है आप अपने इस्तेमाल में नहीं ले सकते, वो पाकिस्तान के जो है इंस्टीट्यूट है, वो पता नहीं क्या है जो भी बना हुआ है, तोशाखाना उसका नाम है, वहाँ पे आपको जमा करवाना पड़ता है, तो वो इमरान खान ने शायद बेच बाज दी है, वो कितनी 30-40-50 करोड़ बल्कि 20 करोड़ के बेचे हो, अच्छा। तो वो इमरान खान ने भेज दिया, तो वो बोले इमरान खान ने चोरी की है, यही की होती है, वो सारा केस चल रहा है, 10,000 किस्म के केस है इमरान खान के ऊपर, किसी न किसी तरीके से गद्दारी का भी मुकदमा बना दिया, द लेजेंड इमरान खान के ऊपर भाई गद्दारी का मुकदमा बन गया है, जो आपके लिए वर्ल्ड कप जीत के आया, मतलब पाकिस्तान के लिए इमरान खान ने वो किया है, कैंसर हॉस्पिटल बनाया, डोनेशन, मतलब हर चीज इमरान खान ने की है पाकिस्तान के लिए, पॉलिटिक्स हटा दो उसकी, पॉलिटिक्स हटा दो, पॉलिटिक्स आप उसकी जो है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनसे एग्री डिसएग्री लाइक अनलाइक कर सकते हो, मगर जो है वैसे अगर आप एक देखो पर्सनालिटी यार लेजेंड है इस मुल्क का, और आप उसके ऊपर जो है दहशतगर्दी का जो है गद्दारी का मुकदमा बना, वॉच होती क्या है, बस यही है भाई पाकिस्तान में। बाकी मेजर गौरव आर्या की वीडियो देख के हम लोग काफी इंजॉय करते हैं, एक बार फिर से काफी मजा आया, मतलब हमारे लीडर इमरान खान ने तो गड़िया पहन, अरे यार मजा आ जाता है मतलब देख के। तो गाइस देखते हैं पाकिस्तान की क्या सिचुएशन बनती है, इमरान खान का लॉन्ग मार्च अभी रुका नहीं है, चल रहा है ऐसा ऐसा, और इमरान खान बोल रहे हैं कि मैं अभी कि जो है डायरेक्ट जो है अभी वहां पहुंचूंगा रावलपिंडी, अच्छा। और दूसरी चीज ये कि आर्मी एक्ट का जो है उन्होंने एक और बताया कि जो है आर्मी एक्ट में तरमीम की जा रही है कि एक साल की जो है वजीर आजम बढ़ा सकता है, तो मे भी अब देखें क्या होता है, क्योंकि मेजर अपना जनरल बाजवा की जो है आर्मी चीफ की जो है टाइम की जो है वो मुद्दत खत्म हो रही है, मतलब उनका टाइम पीरियड खत्म हो रहा है नवंबर के लास्ट में, तो हो सकता है कुछ ना कुछ हमें सरप्राइज मिल जाए, क्योंकि हम लोगों को सरप्राइज मिलते रहते हैं। सो गाइस ये थी वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी बताना, और हमें लाइक करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।